नमस्कार दोस्तों, मैं हरपाल सिंह फ्लोरा खेलो इंडिया न्यूज़ के लिए। आज हमारे साथ मौजूद हैं आनंदेश्वर पांडे जी, जो हैंडबॉल के सेक्रेटरी जनरल रहे हैं और अभी जो है साउथ एशियन हैंडबॉल के सेक्रेटरी जनरल हैं। और आज हैंडबॉल के लिए बहुत बड़ा दिन है। पिछले काफ़ी दिनों से, कुछ महीनों से जो है वो हैंडबॉल के खिलाड़ी हमें लगातार जो है वो मैसेजेस कर रहे थे और हमारे वीडियोस पे, हमारे चैनल पे जो है उनके कमेंट्स आ रहे थे। वो हैंडबॉल में चल रहे डिस्प्यूट को लेकर जो है वो बहुत परेशान थे और इससे जो है वो अधिकतर खिलाड़ी जो हैं हैंडबॉल के सफ़र कर रहे थे। सही मायनों में हैंडबॉल अपने आप में सफ़र कर रहा था, नुकसान हो रहा था। तो आज एक बड़ा दिन है कि हैंडबॉल में जो हैंडबॉल एसोसिएशन है, उन्होंने जो हैंडबॉल फेडरेशन के अध्यक्ष थे वो हैंडबॉल एसोसिएशन के साथ आए और एक साथ मिलकर जो है उन्होंने डिसीजन लिया कि हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया जो है वो मिलकर काम करेंगे उनके साथ और हैंडबॉल के खिलाड़ियों के हक में, हैंडबॉल खेल के नुकसान को देखते हुए फैसला लिया गया कि एक साथ काम करें। इससे पहले कि पांडे जी से हम बातचीत करें, हम आपको बता दें एक अब नया अपडेट है। कल जो हुआ डेवलपमेंट हुई इस चीज़ की जानकारी, लगता है कि वो हैंडबॉल फेडरेशन को हो गई थी और हैंडबॉल फेडरेशन की तरफ से कल यानी 28 तारीख को एक लेटर निकाला गया और उस लेटर में प्रेसिडेंट और सेक्रेटरी जनरल जो हैं उनकी पावर्स जो हैं वो रिस्ट्रिक्ट कर दी गई कि दोनों फेडरेशंस को, दोनों ऑर्गेनाइजेशन को मर्ज करने की जो राइट्स हैं या जो अथॉरिटी है वो अध्यक्ष या सेक्रेटरी जनरल के पास ना होकर वो हैंडबॉल फेडरेशन के जो AGM है, जो जनरल बॉडी है, उसके पास है। तो ये लेटर निकालने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन लगता है कि उनकी जानकारी में ये आ गया था कि ये डेवलपमेंट होने वाली है, इस वजह से ये लेटर निकाला गया। लेकिन आज आनंदेश्वर पांडे जी जो हैं वो इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन गए, ओलंपिक भवन गए, इनके साथ जो हैं वो तेजराज जी मौजूद थे। दोनों ने इंडियन ओलंपिक जाकर अध्यक्षा जो हैं PT उषा और जो CEO और जॉइंट सेक्रेटरी हैं अपना कल्याण चौबे जी, उन्हें एक पत्र दिया जिसमें इन्होंने कहा कि हम लोग मिल के काम करेंगे। तो आइए जानते हैं पांडे जी से कि ये सारी डेवलपमेंट जो है वो अचानक से हुई कैसे, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही इंडियन ओलंपिक का लेटर निकला था कि चार गेम्स जो हैं वो डिस्प्यूटेड हैं और स्पोर्ट्स अथॉरिटी जो है इनका सिलेक्शन करेगी जो एशियन गेम्स इस साल होने वाले हैं उसमें टीम भेजने के लिए। तो ये अचानक से क्या डेवलपमेंट हुई, पांडे जी थोड़ा सा जानकारी देंगे हमें कि अचानक से ऐसा क्या होता है। अचानक पहले तो मैं आपका और आपके समाचार चैनल को काफ़ी धन्यवाद देता हूँ कि काफ़ी दिनों से आपने इसमें इंटरेस्ट लिया और जो खिलाड़ियों की भावना थी, जो दोनों एसोसिएशंस के प्रॉब्लम थे उसको उजागर भी किया, सब लोग देखा, सराहा भी। ये डेवलपमेंट पहले से चल रहे थे और सबसे बड़ा नुकसान खिलाड़ियों का हो रहा था, क्योंकि हमारे पास अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल एसोसिएशन ने, उनके मौजूदगी में हमारे हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया का गठन हुआ जिसकी रिकग्निशन इंटरनेशनल फेडरेशन ने दी, एशियन फेडरेशन ने दी। इन मीन टाइम जो पहले सोसाइटी रजिस्टार थे, अब ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, उन्होंने कुछ जैसे भी हो एक डिस्प्यूट खड़ा करने की कोशिश किया, डिस्प्यूट खड़ा कर दिया, पैरेलल पार्टी को मान्यता दे दिया। इंडियन ओलंपिक का कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि कोई भी एसोसिएशन जो इंटरनेशनल ओलंपिक से अफिलिएटेड होगी और एशियन से अफिलिएटेड उसी को मानता दे सकते हैं। भारत सरकार की स्पोर्ट गाइडलाइन कहती है, क्योंकि जब हमारे खिलाड़ी बाहर विदेश में खेलने नहीं जाएंगे तो कोई फायदा नहीं लोकल सर्विस। अब ये दोनों डिस्प्यूट से ये हो रहा था कि न कोई नेशनल चैंपियनशिप, भारत सरकार के बिना रिकग्निशन के कुछ नेशनल चैंपियनशिप मान्यता प्राप्त नहीं, और जब उसकी मान्यता नहीं होगी तो रिक्रूटमेंट नहीं होगा। खिलाड़ियों को एज निकल रहे थे, तमाम कठिनाइयाँ हो रही थी। मैं सर्वप्रथम तो धन्यवाद दूंगा अनुराग ठाकुर जी का। अनुराग ठाकुर जी खेलो इंडिया के मिले हमसे, कहे पांडे जी खेल हित में आपको ब्रांड दिमाग से सोचना चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। हमने कहा मैं बिल्कुल तैयार हूँ, मेरे तरफ से, मैं तो 70 साल का हो गया, मैं कोई
एक्टिव पद नहीं ले सकता। मैं अपने फेडरेशन के लोगों से बात करूंगा और आपके राय के अनुसार मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। मैं माननीय पीटी श्रीमती पीटी उषा जी का भी धन्यवाद है, चौबे जी का भी। इन लोग लगातार टच में रह के मुझे, मैं भी क्योंकि आयु से जुड़ा रहा हूँ, पूर्व प्रेसिडेंट रहा हूँ, तो इन लोगों ने कहा कि खेल हित में आप दोनों आदमी मिल के काम करें तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं चलो। अब बात ये की थी कि हैंडबॉल एसोसिएशन रहेगी कि हैंडबॉल फेडरेशन रहेगा। मैंने कहा कि एक बार इंटरनेशनल एसोसिएशन ने हैंडबॉल फेडरेशन से हैंडबॉल एसोसिएशन ऑफ इंडिया की मान्यता दे दी है, अब कल हम चाहें कहें कि हैंडबॉल फेडरेशन हो तो फिर ये कहेंगे कि ये क्या तमाशा है, क्योंकि उनकी बोर्ड मीटिंग हुई, ये होगी, एशियन गेम्स सर पर है। बिल्कुल। तो मैं चौटाला जी को भी धन्यवाद दूंगा कि आखिर उन्होंने खेल हित को देखते हुए उन्होंने ये निर्णय लिया कि जैसा सब कहेंगे, जो आयु डिसाइड करेगी वो हम लोग मान लेंगे। तो हमारे चौटाला जी की बात मैंने अपने एसोसिएशन के लोगों से मीटिंग किया, मीटिंग करने के बाद डिसाइड हुआ कि जो भी निर्णय होगा, हमारी एक ड्यूटी कमेटी हैंडबॉल एसोसिएशन इंडिया उसे सहर्ष मानी, ये बात मैंने उनसे बता दिया। फार्मूला तय हुआ, फिर हम लोगों ने आपस में बात किया, कुछ इशू थे, अंत में चौटाला जी, चूँकि चौटाला फैमिली खेलों से हरियाणा काफ़ी लगाव रहा, उन्होंने कहा कि भाई मुझे प्रेसिडेंट कौन देगा, ठीक है आप प्रेसिडेंट रह जाइए। तो एक ड्यूटी में हमें एक बैलेंसिंग पावर करके दोनों को मिला के चौटाला जी के साथ जो एक्टिव लोग थे, जो हैंडबॉल से जुड़े थे, उनको और प्लस हैंडबॉल एसोसिएशन से जो मिला के एक कमेटी बना ली गई। आज हम लोग आयु में मिले, आयु में चौबे जी, पहले चौबे जी के साथ वार्ता हुई, चौबे जी के वार्ता के साथ हमारे चौटाला जी की बात हुई। हमारे प्रेसिडेंट 26 तारीख को मीटिंग में अपना त्याग पत्र दे दिए थे और उसमें ये डिसाइड कर लिए थे, इसके पहले 24 तारीख हुई थी, कि जो भी निर्णय होगा मैं मान्य होगा। तो तेजराज जी जो सेक्रेटरी थे उन्होंने भी कहा, तेजराज ने, विनय सिंह ने कहा, अब सवाल उनके तरफ से थी व्यवधान की। अंत में चौटाला जी पर सहमत बन गई, चौटाला जी प्रेसिडेंट और जगनमोहन जी सेक्रेटरी और तेजराज जी तेजराज आ गए। जब आईओ इसकी मान्यता दे देगी तो भारत सरकार भी दे देगी। इससे ये होगा कि हमारे जो खिलाड़ी बाहर जा रहे थे, खेल तो रहे थे, हम टीम भेज रहे थे, लेकिन उसको इन स्कॉलरशिप नहीं मिल रही थी और जो सुविधाएं भारत सरकार की मिलनी चाहिए थी रिकॉग्नाइज न होने की वजह से नहीं मिल रही थी, वो शुरू हो जाएगी। डिस्प्यूट का चलता रिकॉग्निशन नहीं मिल रहा था, रेलवे में रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा था, पुलिस में रिक्रूटमेंट नहीं हो पा रहा था, तो वो सब हो जाएंगे। तो खेल ही देखते हुए, खेल भावना के तहत ये आईओ और मिनिस्ट्री के सहयोग से ये बात बनी और हम लोगों ने उसको सर्वसम्मत से माना। तो इसमें हैंडबॉल फेडरेशन के लोग जो हैं वो चौटाला जी के साथ मिलके यहाँ आके और आप लोगों ने जो है वो नई बॉडी बनाई, लेकिन जो हैंडबॉल फेडरेशन है उनका जो लेटर कल जो जारी किया उससे तो लगता है कि वो अभी भी एक गुट जो है अपना बना के। देखिए उस गुट की कोई ऑथेंटिक नहीं थी, आपने पिछले बार भी देखा, पीटी उषा जी ने कहा था कि क्लेम उसी का बनता है जो इंटरनेशनल ओलंपिक से मांगता है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने आईओ का कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट किया और उसके माननीय सुप्रीम कोर्ट ने उसमें ये दिया, नागेश्वर राजे के अध्यक्षता में बनी, उसमें क्लियर कट लिखा है कि उन्हीं बॉडी को इंडियन ओलंपिक की सूची का रिकॉग्नाइज करेगी जो इंटरनेशनल बॉडी से लेटर। इंटरनेशनल बॉडी ने दो नहीं तीन तीन बार लेटर लिखा, उन्होंने ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया को भी लिखा, ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया में ने लिखा कि वही टीम एशियन गेम में भाग ले पाएगी जो कि ओलंपिक काउंसिल ऑफ एशिया से जो फेडरेशन अफिलिएटेड होगी, ठीक है, और उसके प्रेसिडेंट सेक्रेटरी दस्तखत करके जो टीम भेजेंगे वही टीम इंटरनेट की जा दूसरी नहीं की जा सकती, ठीक है, वो इंटरनेशनल से मानता होना चाहिए। तो वो क्राइटेरिया सिर्फ हैंडबॉल एसोसिएशन ही फुलफिल करती है। अब जो गुट कह रहा है उन गुट का कुछ स्वार्थ है, अब क्या स्वार्थ है उसमें बेसिक ये चीज है कि कुछ सर्टिफिकेट के इश्यू जब फ्रैक्शन हुए उसमें ये था कि हरियाणा के लड़के कभी नागालैंड से खेल लेते थे, कभी पांडिचेरी से खेल लेते थे, कभी मेघालय से खेल लेते थे, कहीं कुछ, और आर्मी के कुछ प्लेयर जो है
किसी एसोसिएशन से खेलते थे और वो अपना सर्टिफिकेट सेल कर देते थे। मतलब नाम आर्मी के खेलते थे, आर्मी की वजह से टीम विजेता बनती थी और दूसरे के नाम से वो सर्टिफिकेट इशू हो जाते थे, वो बेनिफिट पाते थे। तो उस पर इंदौर जो मीटिंग हुई थी उसमें हैंडबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के एग्जीक्यूटिव कमेटी जनरल बॉडी ने बैन लगा दिया था। तो वो जो कोई निहित स्वार्थ थे, नाम नहीं लूंगा, जो निहित उनको बुरा लगा वहीं से फ्रिक्शन चालू हुआ। आज भी मेन मसला है, पद का कोई बात नहीं है, मेन मसला यही था कि अगर ये सब एक हो जाएंगे, मिल के चलेंगे, तो ये जो गड़बड़ियाँ हैं जो ये हैं वो नहीं हो पाएंगी, क्योंकि अब निगाहें भारत सरकार की भी रहेगी, स्पोर्ट्स अथॉरिटी की भी रहेगी, क्राइटेरिया है कि सिलेक्शन कैसे होगा, टीम कैसे बनेगी, ATC होगा, एनुअल ट्रेनिंग प्लान होगा, तो सब में गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा। जब गवर्नमेंट का हस्तक्षेप होगा तो ट्रांसपेरेंसी होगी, नीट एंड क्लियर होगा, उसमें ये नहीं कि पिक एंड च्वाइस करके जो चाहे मनमानी कोई कर ले। अब सबकी नज़र, चाहे मीडिया की हो, चाहे भारत सरकार की हो, चाहे स्पोर्ट्स अथॉरिटी की हो, सबकी नज़र जब से माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि खेलेगा इंडिया, खेलेगा इंडिया, और भारतवर्ष एक नया खेल कल्चर की तरफ बढ़ रहा है, तब से हर आम और खास आदमी का ध्यान खेलों के प्रति, खासकर मीडिया का ज़्यादा ही है। मीडिया हर एक बारीकी को देख के उसको उजागर करने में लगी हुई है, तो कोई चीज किसी से छिप नहीं सकता, कोई छिपाना भी चाहे तो नहीं छिप सकता। तो ये बातें थी। तो जहां तक मेरे को याद है आज भी के इस बारे में मीटिंग तो पहले भी हो चुकी है, इंडियन ओलंपिक में डिस्प्यूट कमेटी के लोग मौजूद थे, आपका रिप्रेजेंटेशन भी था, चौटाला जी भी वहां पे गए थे, उस समय ये क्यों नहीं हो पाया? अगर ये संभावना थी तो ये तो उस समय भी हो सकती थी। सवाल ये था कि अब वो संभावना थी, हो तो जाना चाहिए, हम भी अपने नियम कानून के अनुसार लड़े थे, वो भी लड़े थे। मैं ये नहीं चाहता था कि मैं दूसरे ग्रुप को एडजस्ट करूं, लेकिन अब मामला ज्यादा बढ़ता गया, हमने देखा कि खेल में कुछ मुझको भी झुकना चाहिए, तो दोनों तरफ से पहल हुई, कुछ चौटाला जी से पहल हुई, और पहले जो हमारी भ्रांतियां थी चौटाला जी के प्रति वो दूर हुई, मैं वो डायलॉग हुए, बात हुए, उन बातों को मैंने अपने एक ड्यूटी कमेटी जनरल बॉडी लोगों को समझाया कि नहीं भाई हम लोग मिल के अच्छा काम कर सकते हैं, तो उन लोगों को भी राय बना कि भाई चलिए आप मिल लीजिए। करीब 25 साल से 78 से मैं हैंडबॉल देख रहा हूँ, हैंडबॉल में जुड़ा हूँ एज ए रेफरी, टेक्निकल कमेटी चेयरमैन, रेफरी बोर्ड चेयरमैन, सिलेक्शन कमेटी चेयरमैन, एक लंबा वक्त गुजारा है। तो जो पुराने लोग हैं उस बात को मानते हैं, तो उन्होंने कहा कि जो आप निर्णय लेंगे हमारे यहाँ मान्य है, सब सम्मत से हर चीज होती रही है, पहले भी होती रही है। हाँ, मुझे याद है हमने इंटरव्यू किया था स्पोर्ट्स मिनिस्टर अनुराग ठाकुर जी का, हमने इंटरव्यू किया था, तो इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा था कि हम खेल फेडरेशनों में जो है वो खेल संगठनों में हम सफाई अभियान चला रहे हैं। तो वो ऐसा तो नहीं कि उस सफाई अभियान के तहत जैसे उन्होंने SGFI में चलाया, इंडियन ओलंपिक में चलाया, और जिस जो पिछले कुछ दिनों में जो डेवलपमेंट ताइक्वांडो को लेकर हुई और मिनिस्ट्री की मान्यता और अचानक से इंडियन ओलंपिक की भी मान्यता मिल गई, तो ऐसा नहीं था कि कहीं खेल मंत्रालय का कोई दबाव था या आप लोगों में वो डर हो गया हो कि अगर हम नहीं इकट्ठा होंगे, नहीं मिलेंगे, तो कभी हमारे साथ भी ऐसा कुछ खेल नहीं हो जाएगा? देखिए ऐसा है कि बट नेचुरली मन में तो थोड़ी शंका थी कि अगर मतलब ये हो जाएगा तो फिर मतलब ये लंबा खींचेगा, और जब लंबा डिस्प्यूट खींचेगा तो उसमें पदाधिकारियों को नुकसान नहीं होता है, खिलाड़ियों को नुकसान होता है। हमेशा खिलाड़ी सफर करता है, पदाधिकारी आते हैं जाते हैं, लेकिन जो खिलाड़ी पदाधिकारी मान लीजिए कि ऐसा तो है नहीं कि आज नहीं कल हो जाएंगे परसों हो जाएंगे, लेकिन जो एज ग्रुप खिलाड़ियों का होता है वो जो उनका एज ग्रुप क्रॉस कर जाता है वो फिर लौट के नहीं आता, तो उनकी तो लाइफ बर्बाद हो जाती है ना। तो खेल मंत्री का जो दबाव है वो काम में खेल मंत्री का दबाव नहीं था, देखिए मैंने दबाव नहीं था, लेकिन उनका ये था कि खेल हित के, उनका जो अनुराग ठाकुर जी खुद ओलंपिक के प्रेसिडेंट रहे हैं, खेलों में रुचि रखते हैं, फिट इंडिया और खेल के कुशल प्रशासक भी रहे हैं,
उन्होंने कहा पांडे जी मिलजुल के काम करना अच्छा होता, दबाव कहीं कहीं अच्छा होता, फायदे के लिए होता है। मैं अब जो भी कल है आपको फंसाइए मत, नहीं ये है कि उनका मतलब उनका ये इच्छा थी और निश्चित है कि बड़े हैं, भारत सरकार के खेल मंत्री हैं, उनकी इच्छा को आदर करना, लाभ तो वही गवर्नमेंट से लेना है ना। बिल्कुल भाई, खिलाड़ियों को लाभ मिलेगा जो भी है, आज उनकी फंडिंग करते हैं गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट से लड़के कोई फेडरेशन नहीं चल सकता। और जहां तक बताते कि खिलाड़ी हमारे हैंडबॉल एसोसिएशन में आप देखिए 80% खिलाड़ी है, खिलाड़ी वही नहीं होता जो इंटरनेशनल में, खिलाड़ी वो भी है कि जो नेशनल खेलता है। आज कई नेता और अब नेता कई जगह देते हैं कि खेल संगठनों में खिलाड़ी होना चाहिए, निश्चित है खिलाड़ी होना चाहिए लेकिन खेल प्रशासक भी होना चाहिए। अगर 80% खिलाड़ी हो तो 20% प्रशासक होने चाहिए जिसके पास प्रशासनिक क्षमता हो। एक खिलाड़ी के पास खेल प्रशासन की क्षमता नहीं हो सकती क्योंकि जिंदगी में वो खेला है, खेल के प्रति रुचि है, बहुत सी चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक प्रशासक के रूप में, अब एक IAS को देख लीजिए, प्रमुख सचिव कृषि बना दिया जाता है, प्रमुख सचिव उद्योग बना दिया जाता है, प्रमुख सचिव IT बना दिया जाता है, तो वो उसका मास्टर तो नहीं होता लेकिन उसके प्रशासनिक उसकी क्षमता होती है जिससे वो कंट्रोल करता है। ये बात ठीक है, वो हम भी मानते हैं कि खिलाड़ी होना और एक मैनेजमेंट जो है वो दोनों अलग अलग चीजें हैं, और हमने पिछले इतने साल में देखा है कि अच्छे खिलाड़ी जो अच्छे अच्छे पोस्ट पर या खेल मंत्रालय तक भी अगर बिठा दिए गए तो जरूरी नहीं है कि वो कुछ बहुत अच्छा कर पाए, वो एडमिनिस्ट्रेशन अपने आप में एक अलग मैटर है। तो अब आपसे मंत्री जी से बात हुई इस बारे में कि मिलके काम करें, कुछ आश्वासन मिला कि रिकॉग्निशन भी मिल जाएगा? नहीं, हमने ना बात किया, उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया के दौरान मंत्री ने पांडे जी खेल हित में सोचिए और मिलकर काम करिए अच्छा होगा। आपने लेटर दिया, ये लेटर जो आज आपने 29 मई का लेटर इंडियन ओलंपिक में आप पीटी उषा जी को दिया जी, खेल मंत्रालय में दिया आपने, आज उन खेल मंत्रालय में भेज दिया, खेल मंत्रालय। अब आईओ जब लेटर दे देगा, आईओ जब रिकॉग्निशन दे देगी तो खेल मंत्रालय बाध्य हो जाएगी देने के लिए, क्योंकि बिना खेल मंत्रालय, जब तक इंटरनेशनल फेडरेशन एशियन के साथ उसमें बाइंडिंग है कि खेल आईओ के भी लेटर रिकॉग्निशन चाहिए तभी मंत्री देते हैं। तो आपको लगता है कि खेल मंत्री भी खेल के हक में सोचते हुए? मुझे तो पूरी उम्मीद है, राज्य से न्याय की अपेक्षा है, वो जरूर करेंगे क्योंकि वो खुद भी खेल प्रशासक रहे, हर बात को समझते हैं, वो कभी नहीं चाहेंगे कि खिलाड़ियों का नुकसान हो, क्योंकि सबसे ज्यादा अगर मैं आज के डेट में कहूं तो प्राइवेट नर्सरी उन्हीं के यहाँ चलती है। और मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि आज हमारी इंडियन जूनियर बालिका जो एशिया में चैंपियन है और अभी प्रेसिडेंट कप जीत के आई हैं, हमारी एशिया में कहीं 14-15वां पोजीशन होता था, बेस्ट 6 में है, तो उसमें से 50% लड़कियाँ हिमाचल की हैं और उनके कॉन्स्टिट्यूंसी की है, हैंडबॉल की उनकी कॉन्स्टिट्यूंसी प्राइवेट नर्सरी चलती है, माननीय खेल मंत्री अनुराग ठाकुर जी के, फिर तो उम्मीद ज्यादा बनती है। अब कुछ कह नहीं सकते, अब उनकी कृपा, उन्होंने भाई हम लोग अपना काम कर दिए, आपने उनकी बात मानी है तो वो भी आपका, अब मानना ना उनका, हमने तो भाई बड़े हैं, उनकी आज्ञा को सिरधार कर लिया और जो भी शर्तें हैं मैंने पूरा कर दिया। इंडियन ओलंपिक से कोई आश्वासन? इंडियन ओलंपिक ने कह दिया, जब एक हो गए पीटी उषा जी ने खुद कह दिया खिलाड़ी है, पीटी उषा जी ने खुद ये दे दिया, उनके सामने बात हुई, दोनों आदमी से सामने बात हुई, कल्याण चौबे जी ने बात की, कल्याण चौबे जी दो तीन तीन बार बात की है, और उसके बाद पीटी उषा जी के समक्ष लाए हम लोगों के साथ पूरा वो किया। पीटी उषा ने तो हमारे भी इंटरव्यू में बोला था कि हम चाहते हैं कि सारे संगठन, बिल्कुल पीटी उषा जी ग्रेट स्पोर्ट्समैन के साथ वो स्पोर्ट्स के एडमिनिस्ट्रेटर भी रही है, खुद एकेडमी चलाती हैं और खेल के दर्द को मेरे समझ से इस समय उनसे ज्यादा कोई अच्छा समझ नहीं सकता पीटी उषा जी। तो जो आगे सिलेक्शन और ट्रायल और वो सब होंगे, अब निश्चित है कि नाम जो बना है साई के आदमी मिलकर करेंगे, स्पोर्ट्स अथॉरिटी के मिल में हम दोनों के एसोसिएशन के दिन में बैलेंसिंग टीम बनेगी, जो भारत वर्ष का प्रतिनिधित्व जो अच्छा खिलाड़ी होगा वो आएगा भारत वर्ष में, जो कुछ खिलाड़ी अभी भी अगर उस तरफ रह गए होंगे उनको भी आप एकदम खुले मन से जो आए तो ओपन ट्रायल है भाई, कोई खिलाड़ी आके कहे कि हम बेस्ट हैं तो हम उस खिलाड़ी को स्वागत करते हैं, हमारे मन में किसी खिलाड़ी के तहत कोई दुर्भावना नहीं है, और जो हैंडबॉल के विकास के लिए काम करेगा मैं आश्वासन देता हूँ उसको हैंडबॉल एसोसिएशन सर माथे पर रखे।
तो अब आगे मतलब भाई अभी हमारा देखिए हमारी एशियन यूथ चैंपियनशिप है जिसमें वर्ल्ड के लिए 5 टीमें क्वालिफाई करेगी, 11 टीमें आ रही है नोएडा में, तो मैं उम्मीद करता हूं कि फर्स्ट टाइम हम वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए क्वालिफाई करेंगे। अच्छा अभी हमारी लड़कियां जो हैं बीच में वर्ल्ड चैंपियनशिप में फर्स्ट पार गई हैं, हम व्हील चेयर में गए हैं, फोर्थ आए हैं वर्ल्ड में, तो अभी 6 मतलब 3-4 साल का इतिहास उठा के देख लीजिए, जितनी इंडियन टीम बाहर गई है 2 साल के अंदर उतनी पूरे 20 साल में नहीं गई होगी, और बच्चों ने अच्छा परफॉर्मेंस किया है। इस बात को हम ही नहीं साई वाले भी मानते, और साई ने अपनी एक कमेटी बनाई थी, मैंने उसी साई कमेटी में छोड़ दिया था, जो साई कमेटी सिलेक्शन करती थी, जो कैंप लगाती थी, मैं उसी को एज ए पोस्ट ऑफिस भेज दिया था, कहीं ये वो नहीं दिखाता था कि नहीं हम भेजेंगे, तो हम हमेशा साई के साथ मिलके, साई के अधिकारियों के साथ मिलके, गवर्नमेंट के साथ मिलके, आईओ के साथ मिलके हम काम करना चाहते हैं, और यही बात हम हर फेडरेशन के लोगों से बोल रहे हैं। तो हम मान के चले कि वॉलीबॉल में पांडे जी का अभी भी कंट्रोल जो है आने वाले सालों तक बना रहेगा। देखिए कंट्रोल आप काम करोगे तो आपका अपने आप बनेगा, घर में जो बुजुर्ग होते हैं उसी की बात सभी मानते हैं, जब बुजुर्ग भी बच्चों का ख्याल रखते हैं, और जिस समय बुजुर्ग बच्चों का ख्याल नहीं रखेंगे तो वो कह देगा भाई आज देखिए आप बच्चा पैदा करते हैं, पढ़ा लिखा के डॉक्टर बनाते हैं, इंजीनियर बनाते हैं, IAS बनाते हैं, PCS, तो कहता है मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया है और सदा आके चरण छुएगा, और पैदा करके सड़क पर भीख मांगने के लिए छोड़ दे, रिक्शा करने के लिए छोड़ दे तो गाली देता है। तो ठीक उसी तरह है कि अगर आप किसी भी संगठन में काम करते हैं और लोगों के साथ मिलके काम करते हैं, लोगों को लेके चलते हैं, लोग आपका आदर करेंगे। नहीं वो तो कंट्रोल ठीक है, कंट्रोल हो तभी तक बना रह सकता है जब तक आप लोगों को फायदा दे पा रहे हैं, उनकी हेल्प कर पा रहे हैं, डेवलपमेंट कर पा रहे हैं। निश्चित है कि कंट्रोल नहीं रहेगा तो बिखर जाएगा, कहीं ना कहीं कंट्रोल होना चाहिए। वो आपका इतना एक्सपीरियंस है, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस है, और इतने सालों से आप जुड़े हुए हैं, तो वो तो ऑब्वियस है कि उसका लोग मानते हैं, लोगों को मिलेगा। सबकी बात सुनता हूँ, सबके साथ मिलके बैठता हूँ, और अपना कोई वो नहीं। जो कोर्ट केस चल रहे हैं उनका क्या होगा? कोर्ट केस कुछ है ही नहीं है अभी, शायद हाई कोर्ट में केस कोई केस नहीं है। हमने सुप्रीम कोर्ट में जो केस डाला था आईओ हमको मानता दे दी, वो खत्म हो गया। हैंडबॉल एसोसिएशन दूसरी है, जो भी कोर्ट केस है हैंडबॉल फेडरेशन है, ना हैंडबॉल फेडरेशन इन नो मोर, हैंडबॉल फेडरेशन का अस्तित्व समाप्त हो गया, उसको अंतर्राष्ट्रीय हैंडबॉल संघ ने समाप्त कर दिया, एशिया ने समाप्त कर दिया। अब सारी टीमें आपने देखा होगा कोई कोर्ट केस होता तो हमारी टीमें क्यों बाहर जाती? अभी हमारी आपने भी देखा, आपने भी मेडल लेके आए हैं हमारी बच्चियाँ, आपने भी इंटरव्यू लिया है, आपने भी दिखाया है, तो आखिर हमारे बच्चे कैसे? अभी आज हमारी टीम कल ईरान में जा रही है, खेलने जा रही है, तो अगर हमारे को मानता नहीं होती कहाँ जा रही? 16 तारीख को उज्बेकिस्तान जा रही, कजाकिस्तान जा रही है, हमारी टीम में अभी जा रही है, इंटरनेशनल ने मानता दिया, एशियन चैंपियनशिप मैं करा रहा हूँ, तो कहीं विवाद नहीं है। आगे क्या देखते, क्या किस तरीके की डेवलपमेंट हम मान के चले प्रोग्रेस, क्योंकि अब तो अगर अब माने अगर इंडियन ओलंपिक भी दे देती है मेंबरशिप, आपको खेल मंत्रालय का भी रिकॉग्निशन मिल जाता है, तो अंतर्राष्ट्रीय से लेकर और नीचे तक सारे लाइनअप एक साइड में आपके अगर फेवर में आ जाते हैं, क्या आगे डेवलपमेंट किस तरीके की? सबसे बड़ी बात है कि 8 जून से 25 जून तक हमारी लीग हो रही है हैंडबॉल की, और मैं आपके दावे के साथ करता हूँ कि हैंडबॉल गेम इतना फास्ट गेम है और इतना इंटरेस्टिंग गेम है, आप अगर यूट्यूब और टीवी पर देख लीजिए तो यूरोपियन कंट्री में हैंडबॉल नंबर 1 गेम है, ओलंपिक की सबसे फास्टेस्ट खेल है, इतना थ्रिल है। जब लीग हमारी स्टार्ट हो जाएगी, जब बच्चों को पैसा मिलने लगेगा तो इतना बूस्टअप हो जाएगा, और सबसे बड़ी बात है गाँव देहात का खेल है, बहुत कम खर्चीले में खेला जा सकता है, एक बाल में आप देखें कोर्ट 20x40 के छोटे जगह हर स्कूल कॉलेज में ग्राउंड बने, तो अब जब खिलाड़ी जब निकलेंगे, खिलाड़ी जब लाभान्वित होंगे, खिलाड़ी जब नौकरी पाएंगे, तो ये गेम अपने आप में सुपर हिट होगा। तो एक बार बताएंगे कहाँ लीग कब से कब? जयपुर में लीग हमारी 8 तारीख से हो रही है, 6 फ्रेंचाइजी है, और 6 फ्रेंचाइजियों में 3-3 प्लेयर हमारे फॉरेन के खेलेंगे, और बाकी 14-14 प्लेयर इंडियन के खेलेंगे। इससे एक अच्छा पहली बार खिलाड़ियों को पैसा मिलेगा,
क्या कितना पैसा मान, अब इसमें मिनिमम कोई 1 लाख पाएगा, कोई 2 लाख पाएगा, कोई 5-5 लाख पाएगा। पहली बार हो रही है? पहली बार नहीं, स्टार्ट हो रही है, तो इससे बहुत बड़ा बूस्टअप मिलेगा। तो ये आने वाला समय जो है इस लीग में, अगर मान से हमारे पास बहुत सारे सवाल ऐसे आते हैं कि मुझे पार्टिसिपेशन करना है, मैं कैसे कर सकता हूँ, कैसे पहुँच सकता हूँ, तो अगर और दूसरे खिलाड़ी भी अगर इंटरेस्ट रखें कि हमें लीग में पार्टिसिपेट करना है, क्या सिस्टम क्या है, कैसे? सिस्टम ये है कि लीग ओनर्स होते हैं, फ्रेंचाइजी ओनर्स होते हैं, उनके कोचेज होते हैं। जब हमारी नेशनल चैंपियनशिप होती है, हमारी स्टेट चैंपियनशिप होती है, तो जाके ऑब्जर्व करते हैं, जो खिलाड़ी होते हैं बेस्ट खिलाड़ी उनके पूल बनते हैं, और पूल बनने के बाद जैसे और जगह ऑक्शन होता है, फिर उनका ऑक्शन होता है। वो खिलाड़ी लेते कहाँ से हैं? जो नेशनल चैंपियनशिप से लेते हैं, उनके परफॉर्मेंस देख के लेते हैं, उनके मतलब इंटरनेशनल लेवल के एक्सपीरियंस देख के लेते हैं, आर्मी वालों से लेते हैं, रेलवे से लेते हैं, पुलिस से लेते हैं, सबको मिला के लेते हैं, और बाकायदे रैंकिंग बनती है कि इस रैंक की गोलकीपर है तो इसकी 7 गोलकीपर है, इसकी 1 रैंकिंग है, 2 रैंकिंग है। जब ऑक्शन होता है तो जो ज़्यादा बोली लगाता है उसको मिल जाती है। अब खिलाड़ियों के लिए एक परेशानी जो पहले से ही चली आई थी, अभी भी है, अभी भी कन्फ्यूज़न होगा कि अगर उनको किस फेडरेशन या ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़ना है, आपकी जो स्टेट बॉडी जो रिकॉग्नाइज स्टेट यूनिट मेंबर यूनिट है, अगर उसकी जानकारी हो तो कहाँ, वेबसाइट? सब वेबसाइट पर, सब वेबसाइट पर है, हैंड वाले एसोसिएशन की वेबसाइट पर है, हर स्टेट एसोसिएशन के स्पोर्ट डिपार्टमेंट है उनके पास है। ये रातों रात नहीं बन जाते हैं, ये भारत सरकार की गाइडलाइंस है कि आपके स्टेट में, सारे स्टेट में होने चाहिए, स्टेट के 75% डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए। जब 75% डिस्ट्रिक्ट होगी तब स्टेट मान्यता देगी, स्टेट मान्यता देगी तो भी वही फेडरेशन के मेंबर बनेंगे। तो इससे भारत सरकार की गाइडलाइंस में स्पोर्ट्स कोड में स्पष्ट है, बिल्कुल रातों रात कोई हवा में नहीं बना सकता है। कोई चाहे घर बैठे कागजी कार्रवाई कर ले वो बात दूसरी है, लेकिन जब आप जाएंगे थ्रू तो सब कुछ स्पोर्ट्स कोड में निहित है, और जो स्पोर्ट्स कोड के अनुसार जो पारदर्शिता के साथ जो काम करेगा वो आए आगे बढ़ेगा। चलिए, हमें उम्मीद है कि आने वाले दिनों में खेल मंत्री का प्रेशर तो नो डाउट कि वो है, रहा है, और जैसे हमारे इंटरव्यू में भी उन्होंने कहा कि वो खेल संगठनों को साफ करने में सफाई अभियान चला रहे हैं, तो संभावना है कि उसी के तहत जो है वो खेल मंत्री जब मिले, इनकी मुलाकात हुई खेल मंत्री से, उन्होंने इनके ऊपर भी दबाव बनाया या बताया समझाया, जैसे भी जो भी कहें, लेकिन ये मानना है कि ठीक है, उससे जो है खिलाड़ियों का फायदा होगा, और जो 4 डिस्प्यूटेड एसोसिएशंस ऑर्गेनाइजेशंस इंडियन ओलंपिक मान के चल रही थी, उनमें 4 में से अगर हम देखें तो एक ताइक्वांडो को उन्होंने रिकग्निशन दिया और इंडियन ओलंपिक ने मेंबरशिप दे दी, और अब जो है वो हैंडबॉल को भी संभावना है कि इंडियन ओलंपिक की भी उनको मेंबरशिप मिलेगी और खेल मंत्रालय भी जो है मान्यता देगा, तो 2 रह जाएंगी। तो हम कह सकते हैं कि आने वाले दिनों में हैंडबॉल के खिलाड़ियों के लिए जो है उनका भविष्य जो है वो उज्जवल है। वो एक जो डिस्प्यूट के चलते कन्फ्यूज़न था कहाँ जाएं, किसके साथ खेलें, और इंटरनेशनल में या खेल मंत्रालय में या ओलंपिक में किसको मान्यता दी है, वो आने वाले कुछ दिनों में लेटर जारी होते ही वो क्लियर हो जाएगा कि खिलाड़ियों को किस और जाना है। पांडे जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपको और आपके खेलो इंडिया समाचार का कि आपने हमारी जानकारी खिलाड़ियों के हित के लिए हमसे बातचीत की, और जो सही तथ्य है, थोड़ा सा आपसे यही अनुरोध है, खेल मंत्री जी का दबाव नहीं था, पर इतना ही। चलिए, वो दबाव था या नहीं था, लेकिन खेल के लिए अच्छा हुआ। अच्छा हुआ, बिल्कुल, इस बात से 100% सहमत है, खेल के लिए अच्छा।